हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जो सारे मैं आज नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ एक जो बहुत ही सिंपल है, पहले आप उसको देख लीजिए। देखिए, हम कभी कभी बोलते हैं कि अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। ठीक है, देखिए हमें कैसा लगता है कि दोनों सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा हमें लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसे मैंने अगर आपको ये बोल दिया कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करोगे, ये भी फ्यूचर में, वो भी फ्यूचर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको करते कैसे हैं? देखिए, अगर वाला जो सेंटेंस है, जो इफ वाला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए मैं आप लिखती हूँ, पहले आप देख लीजिए, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा? चलो मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, एक अच्छी पेन, तुम्हें एक पेन दूंगी। चलो, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो, अगर तो लिखना है तो कॉमा नहीं हटा दोगे, अगर तो नहीं लिखना है तो कॉमा यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, ठीक है। देखिए, अगर तुम पढ़ाई करोगे, एक ये सेंटेंस है, मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, ये दूसरा सेंटेंस है। तो हमारा जो अगर वाला सेंटेंस है, ये हमारा जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ओके? जो अगर वाला सेंटेंस है, हो सकता है ये चीज हमारा बाद में भी आ सकता है, लेकिन जो कंडीशन दी जा रही है कि ये चीज अगर होगा तभी, तो जो कंडीशन ये है कि अगर तुम पढ़ाई करोगे, ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ओके? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको आता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मालूम है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अब मैं SIS लगता है, आई और यू को छोड़कर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब मैं SIS नहीं लगता है, बस वो रूल इसमें फॉलो करना है, अप्लाई करना है वो चीज आपको। इसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर में जाएगा। कैसे? अगर तुम पढ़ाई करोगे, मतलब अगर तुम पढ़ाई करते हो, सिंपल प्रेजेंट में हमने इसकी हिंदी भी माइंड में बना ली। इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी तो क्या होगा? मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, आई शैल गिव यू अ पेन, ठीक है। इफ यू स्टडी, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो क्या होगा? मैं तुम्हें एक पेन दूंगी, आई शैल गिव यू अ पेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के बातें अक्सर स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, वो रॉन्ग बोल देते हैं, बोलते हैं कि ये इफ यू विल स्टडी तो आई विल गिव यू अ पेन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो कंडीशन दिया जा रहा है, जो पहला सेंटेंस है कि अगर ऐसा होगा, इस ये जो सेंटेंस है इसको हम किस में डालेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और बाद वाला जो सेंटेंस है वो तो फ्यूचर में है ही, तो फ्यूचर में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत सारे लेकर आने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान दीजिए, बाय बाय, थैंक यू।